हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। दोस्तों, एज यू ऑल नो, अपने मॉडल क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो दोस्तों, इसके अंदर अपनों ने पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री और पेपर फोर डिस्कस कर लिया है। आज अपने पेपर नंबर फाइव डिस्कस करेंगे, जो कि है क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग। और दोस्तों, इस पेपर फाइव को बताने के पीछे मेरा मकसद यही है, क्योंकि दोस्तों, एक तो ये हमारा कम्फर्ट जोन है, ठीक है? सारे एसएससी देके आए हैं, तो सबको ये सवाल आते होंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो जिनकी रिक्वेस्ट आई है कि ये पेपर फाइव भी करवाया जाए। और दोस्तों, मोस्टली कुछ स्पोर्ट्स कोटा से जो रिक्रूटमेंट है, ठीक है, और मेरे ऑफिस में भी कई लोग हैं जो स्पोर्ट्स कोटा से रिक्रूटमेंट है, उनकी भी रिक्वेस्ट आई थी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग के बारे में भी बताया जाए, राइट? तो दोस्तों, आज ये अपना पेपर नंबर फाइव अपने कंप्लीट कर लेंगे, तो ये सीरीज़ दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ एसएएस एग्ज़ाम आप ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ एसएएस एग्ज़ाम टेलीग्राम पे भी लिंक मिल जाएगा। नहीं मिले तो कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा। ये सुनो, तो दोस्तों, इसके 20 सवाल हैं, 20 सवाल आज अपने इस वीडियो में करेंगे। और दोस्तों, हर एक सवाल के जितने मेथड से हो सकता है, वो एक मेथड, दो मेथड, तीन मेथड, राइट, जितने भी मेथड से होगा उस मेथड से अपने उसको करेंगे, राइट? और दोस्तों, मैथमेटिक्स पढ़ने का मेरा तरीका ऐसा है कि मैं बिना सूत्र, बिना किसी फॉर्मूले के पढ़ता हूँ, राइट? हमारी समझ दोस्तों इस कदर होनी चाहिए, हमारी समझ इस लेवल पे होनी चाहिए कि हमें फॉर्मूलों का इस्तेमाल ना करना पड़े, सूत्रों का इस्तेमाल ना करना पड़े, राइट? हम हमारे विवेक से सारी चीज़ें सॉल्व कर सकें और उनका आंसर तक अपने पहुँच सकें। यस और नो? तो दोस्तों, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। इफ़ द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 20 एंड दैट ऑफ अनदर 15 ऑब्जर्वेशन इज 16, देन द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज, क्या बोला दोस्तों? 10 आंकड़ों का मीन 20 है, कुल मिला के बात है 10 लोगों के पास 20-20 रुपए हैं, 10 लोगों का एवरेज 20 है, 10 आंकड़ों का एवरेज 20 है, मीन का मतलब एवरेज, राइट? और दूसरे 15 जो लोग हैं, 15 जो आंकड़े हैं, 15 जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका जो है मीन, उनका जो एवरेज है वो 16 है, देन द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन। टोटल दोस्तों मीन पूछा है, ओवरऑल एवरेज पूछा है। यस और नो? तो दोस्तों, दो तरीके हैं इस सवाल को करने के। नंबर वन, पहला तरीका बताता हूँ, आप इसको ऑब्जर्वेशन और 20 को ऐसे समझिए, इनकी इकाई ऐसे समझिए, 10 लोग हैं उनके पास 20-20 रुपए हैं, राइट, और 15 लोग हैं उनके पास 16-16 रुपए हैं, राइट? दोस्तों, 10 लोगों के पास 20-20 रुपए हैं प्रति पर्सन के पास, तो टोटल कितने रुपए हैं उनके पास? 200 रुपए। 15 लोगों के पास दोस्तों 16-16 रुपए हैं, तो टोटल कितने हो गए? 240 रुपए, राइट? टोटल कितने हो गए दोस्तों? 440 रुपए। और टोटल 440 रुपए हैं, इसको मुझे 25 में बांटना है, 25 लोगों के पास 25 लोगों का एवरेज निकालना है, राइट? एवरेज का दोस्तों सूत्र क्या होता है? टोटल बटे जितने लोगों में बांटने हैं उसको, ठीक है? वो सूत्र क्या है दोस्तों? मान लो 100 रुपये मुझे 10 लोगों में बांटने हैं, तो क्या कर दूंगा मैं? 10-10 बांट दूंगा, 100/10 कर दूंगा, वो मेरा एवरेज आ गया। 440 को 25 में बांटना है, तो 440/25 कर दिया। और दोस्तों, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? 125 का फाड़ा आपको नहीं आता, राइट? या आता भी होगा तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये कितना हो जाएगा? 1760। नीचे कितना हो जाएगा? 100। 2 के बाद 0 लगा दे, 17.60, ये हमारा आंसर आ गया। यस और नो? इसके बाद दोस्तों, एक और तरीका है, कई लोग इस तरीके से प्रेफर करते हैं सवालों को करना, तो मैं आपको जितने तरीके होंगे एक सवाल के वो मैं आपको बता दूंगा। 10 लोगों के पास दोस्तों 20-20 रुपए हैं और 15 लोगों के पास 16-16 रुपए हैं, राइट? अब दोस्तों देखिए, कम से कम सभी के पास 16-16 रुपए तो हैं। मान लो 15 लोग हैं, 16-16 रुपए हैं, ये 10 लोग हैं, इनके पास भी तो 16-16 रुपए हैं, राइट? लेकिन दोस्तों, इन 10 लोगों के पास कितने फालतू हैं? 10 के पास 4 रुपए है एक्स्ट्रा है हर एक एक के पास। एवरेज का मतलब क्या है दोस्तों? हर 10 लोगों के पास 20-20 रुपए हैं, ठीक है? अब मैंने बोल दिया कि 16 रुपए तो सबके पास है, ठीक है? 16-16 एवरेज, मैंने एवरेज मान लिया कि सबके पास 16-16 रुपए तो हैं ही, ठीक है? अब इन 10 लोगों के पास 4-4 रुपए एक्स्ट्रा है, तो टोटल 40 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। अब दोस्तों, 16 तो सबके पास है ही, अब 40 रुपए जो हैं वो 25 लोगों के पास है, ठीक है? तो 40 रुपए जो है एक्स्ट्रा है 10 लोगों के पास, उस 40 रुपए को मैं 25 में बांट दूंगा, तो क्या मेरा एवरेज नहीं निकल जाएगा? तो ये कर दिया दोस्तों 40/25, इसको भी 4-4 से गुणा कर दूँ, 1.60, ये आ जाएगा 17.60 इसका आंसर। ये सुनो, तो दोस्तों दो तरीके हैं, कोई से भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे चलिए, अगला चलिए देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो है। क्वेश्चन नंबर एक तो जहाँ एवरेज से रिलेटेड था, ठीक है, एवरेज जो चैप्टर है हमारा, दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों एवरेज से ही है। यस और नो? द मीन मार्क्स स्कोर बाय 40 स्टूडेंट्स पर फाउंड टू बी 60। 40 लोगों का दोस्तों एवरेज कितना है? 60 है। लेटर इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ए स्कोर ऑफ 48 वाज मिस रीड एज 84, देन द करेक्ट मीन इज, बहुत ईजी है। देखिए दोस्तों, 40 लोग हैं, 60-60 रुपए सबके पास हैं, ठीक है? लेकिन दोस्तों, जब गणना हुई, जब काउंटिंग हुई, तो ऐसा हुआ 48 को 84 पढ़ लिया, ठीक है? 48 को कितना पढ़ लिया? 84 पढ़ लिया। 48 को कितना पढ़ लिया? 48 को कितना पढ़ लिया? 84 पढ़ लिया, ठीक है? दोस्तों, कितना फालतू पढ़ लिया? 84 माइनस 48 कितना हो गया? 36, ठीक है? मतलब 48 को 84 पढ़ लिया, तो दोस्तों 36 रुपए जो हैं वो ज़्यादा चले गए लोगों के पास, ठीक है? दोस्तों 36 रुपए ज़्यादा चले गए,
ठीक है। इसका मतलब ये दोस्तों, ये एवरेज ज़्यादा है 60, ठीक है, एवरेज इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए क्योंकि 36 रुपये एक्स्ट्रा इंक्लूड है इसके अंदर। तो दोस्तों 36 रुपये ज़्यादा चले गए, तो 36 को 40 से भाग दे दूंगा तो प्रत्येक बंदे के पास आ जाएगा कितने रुपये कम गए, ठीक है। तो दोस्तों 36/40 कर दूंगा तो 0.9 दोस्तों कम है एवरेज। दोबारा सुनिए, 48 को 84 पढ़ लिया, ठीक है, 36 फालतू पढ़ लिया, मतलब 36 रुपये कम होना चाहिए एवरेज। तो दोस्तों एवरेज निकालने के लिए 36 को 40 से भाग दे दूंगा मैं तो सब लोगों के पास आ जाएगा बराबर बराबर, 90 पैसे कम है सबके पास, ठीक है। तो 60 सबके पास थे, 90 पैसे कम है, तो 59.1 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज द डेटा इज कॉल्ड। दोस्तों मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है जो ऑब्जर्वेशन में, उसको क्या बोलते हैं, रेंज। अब दोस्तों ये पूरा एक टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का और उनका, ठीक है, तो वो जो अपने अपने पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। रेंज का मतलब दोस्तों यही होते हैं 1 से 2, 3, 4 ऐसे कोई आंकड़े दे दिए, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पे मान लो 9 आ गया, ठीक है, मिनिमम कितना है दोस्तों 1 है, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 9-1 मतलब 8, ऐसे रेंज हो जाती है, राइट। तो उसको रेंज बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा 4-3-2-5-P-4-5-1-7-3-2-1 इस 3 देन द वैल्यू ऑफ पी। दोस्तों इस सीरीज का जो है बहुलक दे दिया 3, ठीक है। मोड का मतलब होता है दोस्तों बहुलक, मोड का मतलब है तो बहुलक, बहुलक का मतलब दोस्तों जो ज़्यादा बार है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो, ये सुनो, मोड का मतलब होता है बहुलक, बहुलक का मतलब है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो, ठीक है। तो दोस्तों इस सारणी के अंदर, इस टेबल के अंदर या इस सीरीज के अंदर मैं क्या देखता हूँ, सबको पहले लिख देता हूँ कौन कितनी बार रिपीट होना है, ठीक है। 4-3-2-5-P-1-7, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया, 4-3-2-5-P, ठीक है, पी आ गया। फिर दोस्तों 4 था तो मैंने 4 के सामने लिख दिया, ठीक है, 5 था तो 5 के सामने, फिर 1 था तो फिर 1 के सामने, फिर 1 आ गया इधर, 7 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर कितना आ गया, 2, और फिर दोस्तों 1, राइट। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि सारे जो है, जैसे 4 दो बार रिपीट हो रहा है, 3 दो बार, 2 दो बार, 5 दो बार, 1 दो बार, ठीक है। और दोस्तों हमें बहुलक कितना बनाना है, 3 को बहुलक बनाना है, 3 को मोड बनाना है हमें, ठीक है। तो दो बार कई नंबर्स आ गए तो हम बहुलक नहीं निकाल सकते, 3 को बहुलक बनाने के लिए पी की वैल्यू हमें 3 करनी पड़ेगी, ठीक है। पी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 3 कर दूंगा तो बहुलक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और दोस्तों ये कहता पी बहुलक कितना है, 4 है, तो मैं दोस्तों पी की वैल्यू 4 आ जाती, राइट। तो मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो उसका मोड या बहुलक कहलाएगा, ये छोड़ लो, आगे चलिए। अगला देखिए दोस्तों परसेंटेज पे है, राइट, परसेंटेज पे सवाल 5वां, 6वां और 7वां। अ कार इज़ गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी फॉर 16 आवर्स स्टैंडिंग एट 5 आवर्स द स्पीड ऑफ कार एट डिफरेंट आवर्स इज गिवन, ठीक है। टाइम देखिए दोस्तों 5, 7, 9, 11, 13, 17, 15, 19 और 21 और स्पीड कितनी है दोस्तों इन टाइम पे, ठीक है, 40, 50, 60, 80, 70, 65, 75, 60 और 50। और दोस्तों ये डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है, परसेंटेज का सवाल है, ठीक है। आपको दोस्तों ये सारणी रीड करनी आनी चाहिए और दोस्तों आपको परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए, तो तब ये आप सवाल अटैम्प्ट कर सकते हो, राइट। तो देखते हैं अपने क्या है, द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन स्पीड ड्यूरिंग द 9 आवर्स एंड 11 आवर्स। सबसे पहले तो दोस्तों 9 आवर्स देखिए ये रहा, 11 आवर्स देखिए ये रहा, ये लिख लिया, नीचे की स्पीड लिख ली मैंने। अब बोल रहा है दोस्तों परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड, राइट। तो दोस्तों इंक्रीज इन स्पीड निकालना है, 60 से 80 हो गई, 20 बढ़ गई, किस पे दोस्तों, हमेशा स्पीड बेस वैल्यू पे बढ़ती है, ठीक है। 60 से 80 हुई मतलब 20 बढ़ी है 60 पे, मतलब कितना हो गया, काट दो 1/3, 1/3 का मतलब है 33 सही, 1/3 या 33.33%, यस और नो, 33.33% इनटू मल्टीप्लाई बाई 100 कर लो, फिर इसको 3 से भाग दे दो, 100/3 कर लो तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए दोस्तों, द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन स्पीड ड्यूरिंग द 19 आवर्स एंड 21 आवर्स। 19 और 21 का पूछा है, 60 से 50 हो गई 10 घट गई, 60 से 50 हो गई 10 घट गई, 10 किस पे घटी है दोस्तों, 6 पे, 1/6 यानी 16 सही 2/3%, राइट, ये सुनो, 16.2, 16 सही 2/3%, या इसको दोस्तों 16.66% पे अपने बोलते हैं, 16.66। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एवरेज स्पीड अमंग 5, 7 एंड 9। 5, 7, 9 दोस्तों इनकी एवरेज स्पीड निकालनी है, 40, 50, 60, 40, 50, 60। अब दोस्तों एवरेज क्या होता है, बीच का नंबर, एक को जो सबके इक्वल हो, ठीक है, एवरेज मतलब 40, 50, एक के पास 40 रुपये हैं, एक के पास 50 रुपये हैं, एक के पास 60 रुपये हैं। तो दोस्तों एवरेज क्या हो गया, इसका मिड का हो गया, ये मिड वाला एवरेज हो गया 50 आ गया, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो इनको जोड़ के 3 का भाग दे लो, एवरेज मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, 40, 50, 60/3, 150/3 यानी 50, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये सुनो, समझ में आई इतनी बातें। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो प्रोबेबिलिटी पे है, प्रोबेबिलिटी को हिंदी बोलते हैं प्रायिकता, ये सुनो। और दोस्तों प्रायिकता है और ये कार्ड पे है, कार्ड मतलब ताश के जो पत्ते अपने खेलते हैं उस पे ये क्वेश्चन है, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों अगर आपको कार्ड के पत्तों के बारे में नहीं पता है तो आपको जानने की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, राइट। फिर भी मैंने एक बेसिक नॉलेज आपको इसके अंदर दिया है, ये सुनो। देखिए अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक इज 52 कार्ड्स। 52 ताश के पत्तों में, 52 ताश के पत्तों की गड्डी से एक
पत्ता जो है रेंडम में आपको निकालना है। और दोस्तों द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड, उस पत्ते की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इज़ नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। एक तो दोस्तों वो लाल कार्ड नहीं होना चाहिए, एक दोस्तों वो क्वीन नहीं होनी चाहिए, राइट। और दोस्तों जो फिशिंग कार्ड होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं हमारे कार्ड्स के अंदर। पहला होता है जैक यानी गुलाम, क्वीन यानी बेगम, किंग मतलब बादशाह, एस मतलब इक्का, राइट। 52 कार्ड दोस्तों 13 13 13 13 करके बटे होते हैं। स्पेड, हार्ट, क्लब और डायमंड, हुकुम, पान, चिड़ी और ईंट, राइट। और इसके अंदर दोस्तों हुकुम और चिड़ी, स्पेड और क्लब जो हैं वो ब्लैक रंग के होंगे, हार्ट और डायमंड, पान और ईंट के जो है वो रेड कलर के होंगे, येस और नो। अब देखिए दोस्तों टोटल 52 कार्ड हैं। अब इसके अंदर बोला है कि रेड और क्वीन जो है वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों होना नहीं होना वो बाद की बात है, अगर रेड और क्वीन को काउंट कर लूँ तो टोटल कार्ड कितने होंगे मेरे पास, येस और नो। तो देखिए दोस्तों रेड और क्वीन को मैं अगर काउंट कर लूँ तो अब देखिए दोस्तों ताश की गड्डी के अंदर टोटल 52 कार्ड होंगे, येस और नो। इसके अंदर देखिए दोस्तों रेड जो कितने कार्ड होंगे, 13 कार्ड ये, 13 कार्ड ये, 26, राइट। और दोस्तों क्वीन भी नहीं होनी चाहिए, क्वीन हमें इनकी और इसकी भी काउंट करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों के पास क्वीन है ब्लैक कलर की, राइट। तो दोस्तों कितने हो गए टोटल, 28। अब निकालना है हमें नीदर रेड नॉर क्वीन, राइट। तो दोस्तों नीदर रेड नॉर क्वीन का मतलब क्या है, 52 कार्ड में से ये इसको मैं घटा दूँ, ठीक है, 28 कार्डों को, तो ना तो वो लाल होगा ना उनमें कोई क्वीन आएगी, मतलब 24 होगा, राइट। और दोस्तों प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, राइट। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो फेवरेबल कितने हैं दोस्तों 24, टोटल कितने हैं 52, तो इसको काट पीट कर दोगे तो 6/13 इसका आंसर आ जाएगा, ये सुन लो। अब देखिए सेकंड मेथड कैसा है इसका, ये ना करके एक तरीके से और कर सकते हो, रेड व क्वीन आने की प्रायिकता आपने दोस्तों निकाल लो आप, 28 जो कार्ड जो थे वो रेड और क्वीन थे, मतलब 28/52 कर दूंगा तो ये रेड व क्वीन आने की प्रायिकता है, ये सुन लो। अब दोस्तों नए आने की निकालनी है तो 1-28/52 कर दो, ठीक है, तो इसको काट पीट कर लोगे तो दोस्तों 6/13 इसका आंसर आ जाएगा, ये सुन लो। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ डाइस इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। डाइस मतलब दोस्तों आपने सांप सीढ़ी लूडो खेला होगा, ठीक है, डाइस जो आपको फेंकते हो, राइट। तो उसके अंदर दोस्तों 6 फेस होते हैं डाइस के, ठीक है, 6 साइड होती हैं, इसके ऊपर क्या नंबरिंग होती है, 1, 2, 3, 4, 5 है, राइट। अब बोल रहा है कि 3 से ज़्यादा तो या तो 4 आ सकता है या 5 सकता है या 6 आ सकता है, ठीक है। तो मतलब कितने हो गए टोटल, 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 3 टोटल कितने आ सकते हैं, टोटल कितनी साइड है, 6, तो मतलब 1/2, राइट। हर दो में से मतलब एक जो है वो पासा आप फेंकोगे तो वो प्रायिकता है कि 4, 5 और 6 में से एक नंबर आ जाए, ये सुनो। अब दोस्तों फॉर्मूला भी कई बार बोलते हैं कि सर फॉर्मूला बता दो, तो प्रायिकता का फॉर्मूला दोस्तों पी ए है, राइट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, राइट, ये सुनो। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए, राज स्टार्ट फ्रॉम हिज ऑफिस फेसिंग वेस्ट, वॉक्स 10 मीटर स्ट्रेट, देन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 100 मीटर फर्दर, ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 50 मीटर, इन विच डायरेक्शन इज राज नाउ विद रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, विद रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए दोस्तों डायरेक्शन सबको पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। जो राइट हैंड है दोस्तों हमारा वो ईस्ट का होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड है जो हमारा वेस्ट का होता है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ठीक है, समझ में आई बात है। तो दोस्तों कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है, पहले तो ये बना लो, और दोस्तों जो इसको बीच वाला पॉइंट होता है इसको स्टार्टिंग पॉइंट आप काउंट करोगे, यस और नो। दोस्तों ये याद करने से आप आर्मी नेवी एयरफोर्स की कमांड्स याद आ रही है, ठीक है, सेंट्रल कमांड लखनऊ याद आ रही है, राइट, यस और नो। वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ याद आ रही है दोस्तों, ईस्टर्न कमांड कोलकाता याद आ रही है, नॉर्दर्न कमांड दोस्तों जम्मू उधमपुर, सदर्न कमांड पूना, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर, राइट। तो दोस्तों वो चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट इसको मानूंगा मैं, वो बोल रहा है भैया कि वो वेस्ट की तरफ मूव करके यहाँ से अपने ऑफिस से 100 मीटर चला यहाँ पहुँचा, फिर राइट टर्न लिया, फिर 100 मीटर चला, फिर लेफ्ट टर्न लिया, 50 मीटर चला। अब बोल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से ये डायरेक्शन इसकी बताओ, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो डायरेक्शन है इसकी, ये क्या नॉर्थ वेस्ट नहीं हो गई, ठीक है। तो दोस्तों इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। अब दोस्तों नॉर्थ वेस्ट को मैं नॉर्थ वेस्ट ही क्यों बोलता हूँ, मैं वेस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोलता, तो दोस्तों ये तरीका होता है बोलने का, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट की बारी आएगी तो अपने को उसको नॉर्थ वेस्ट ही बोलना है, ये सुनो। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको कुछ डेटा दे दिया, ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ लिख दी, कुछ चीज़ें यहाँ लिख दी। अब बोल रहा है विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स आशा, राइट। अब दोस्तों आशा का मीनिंग बताना है, तो सबसे पहले मैंने आशा को मार्क कर लिया पहले, ठीक है, और कहीं आशा नहीं है इस साइड, राइट, तो मैंने आशा को मार्क कर लिया, ये सुनो। अब दोस्तों मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता रहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रिप्टोग्राफी एनक्रिप्शन का एक मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये एनक्रिप्शन का मेथड यही है, ठीक है। अब दोस्तों आशा का पूछ लिया, तो आशा का मतलब इस लैंग्वेज के अंदर कुछ और है, ठीक है। और दोस्तों मैं अगर किसी को डेटा सेंड करता हूँ, ठीक है, ये एनक्रिप्शन लगा के, ठीक है, तो उसको दोस्तों मैं डिक्रिप्शन की दे दूंगा मैं, ठीक है, तो वहाँ जाके क्या करेगा, वो डेटा को अनलॉक कर लेगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर में, दोस्तों सॉफ्टवेयर की भाषा में उसको एक पासवर्ड दे दूंगा जिससे वो डेटा जो है डिक्रिप्ट हो जाएगा, ये सुनो। तो इसी प्रकार से दोस्तों मान लो आपकी पे स्लिप आती है, तो इसके अंदर आप दोस्तों आपका अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालते हो, ठीक है, तो एक प्रकार की वो की है,
ठीक है। अगर उसके अंदर दोस्तों ऐसी हो जाए कि वो ऐसी लैंग्वेज में आने लग जाए कि उसकी एक पर्टिकुलर कोडिंग आपको पता हो, पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर और पता हो, पासवर्ड और पता हो, तो मतलब वो एनक्रिप्ट लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो मतलब ये एनक्रिप्शन वाली लैंग्वेज है, ये सिंपल लैंग्वेज है। तो अपने को आशा का मीनिंग इसके अंदर बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। येस और नो, तो विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स आशा। येस और नो, अब दोस्तों आशा का निकालना है तो इज़ प्लेइंग टेनिस। ठीक है, इसका मतलब अपने को पता चल जाए तो क्या हम नहीं निकाल सकते? येस और नो। या दोस्तों दूसरा तरीका सबसे सरल क्या है इसके अंदर आशा का, प्ले कॉप देख लो दोस्तों, आशा इधर कहीं नहीं है। ठीक है, तो मतलब जो इस लाइन के अंदर शब्द होंगे वो अगर ऊपर नीचे कहीं भी नहीं है तो वो आशा का मीनिंग आ जाएगा। ठीक है, के ओ बी देखिए दोस्तों कहाँ है, के ओ बी यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, मतलब इन दोनों लाइनों के अंदर कुछ सेम शब्द होगा, कार्ड एंड टेनिस, आशा इज प्लेइंग टेनिस। मतलब टेनिस का मतलब जो है दोस्तों, टेनिस का जो है वो कॉब हो जाएगा। ठीक है, टेनिस का क्या हो जाएगा, कॉब हो जाएगा। अब दोस्तों जे ए देख लो, जे ए कहाँ है, जे ए ऊपर नीचे कहीं नहीं है, मतलब मेरा आंसर आ गया आशा का जे ए। फिर भी एक बार क्रॉस चेक हो जाएगा, के आई देख लो दोस्तों, के आई कहाँ है, यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, राइट। तो मतलब ये भी आशा नहीं है। एम ए दोस्तों यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, अब दोस्तों एम ए का क्या हो सकता है, उषा इज़ प्लेइंग कार्ड्स, आशा इज़ प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है दोस्तों, इज़ प्लेइंग कार्ड्स, इज़ प्लेइंग और इज़ प्लेइंग, ठीक है, सेम है दोनों के अंदर। तो के आई और एम ए ये दोनों हो सकते हैं, राइट। अब दोस्तों के आई का पता लगाना है तुम्हें, हम नीचे चलेंगे, प्लेइंग आ गया। ठीक है, तो मतलब के आई यहाँ है, के आई यहाँ है, के आई, तो मतलब प्लेइंग का क्या हो जाएगा, के आई हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों सॉल्व हो गया हमारा, आशा का आ गया जे ए। अब आपको उषा का बताना है कमेंट सेक्शन में, उषा का क्या होगा, कौन सा कोडिंग होगी इसकी, राइट। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, 6 किताबें हैं, पी क्यू आर एस टी यू आर प्लेस्ड साइड बाई साइड, उनको एक साथ रखा है साइड बाई साइड। आर क्यू टी हैव ब्लू कवर्स, दोस्तों आर क्यू टी है ब्लू कलर्स। कवर देखिए दोस्तों, मैंने तीन वेरिएबल हैं इसके अंदर, कवर कलर है, एक टाइम है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको इस टाइप से इसको अरेंज करना है तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। आर क्यू टी है ब्लू कवर्स एंड अदर बुक्स हैव रेड कलर। ठीक है, आर क्यू ओ टी दोस्तों ब्लू कलर दे दिया, बी 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 ब्लू, ब्लू और ब्लू, बाकियों का लाल कर दिया मैंने। ठीक है, ओनली एस एंड यू आर न्यू बुक्स, एस और यू दोस्तों क्या है, आर न्यू बुक्स, एन लिख दिया मैंने। ठीक है, बाकियों को ओल्ड कर दिया, येस और नो, रेस्ट आर ओल्ड, पी आर एस आर लॉ रिपोर्ट, PRS दोस्तों, PR और S ये लॉ की रिपोर्ट है। ठीक है, द रेस्ट आर गैजेट्स, अगलो बाकी का है दोस्तों, गैजेट्स हैं, जी कर दिया। ठीक है, तो विच टू बुक्स आर ओल्ड गैजेट्स विद ब्लू कवर्स, ओल्ड गैजेट ब्लू कवर, मतलब क्यू और टी इसका आंसर आ जाएगा। येस और नो, आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, इफ सेवंथ डे ऑफ ए मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, वट डे विल इट बी ऑन 19th डे ऑफ द मंथ। दोस्तों पहले तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब दोस्तों सेवंथ डे ऑफ ए मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, 1, 2, 3 दिन पहला कौन सा दोस्तों, ट्यूसडे। मतलब किसी महीने का दोस्तों 7वां दिन जो है मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो दोस्तों 7 और जोड़ दो, 14वां और 21वां दिन भी क्या होगा, मंगलवार होगा, राइट। हमें दोस्तों कितना ज्ञात करना है, हमें 19वां ज्ञात करना है, 19th। दोस्तों 21वां ट्यूसडे है तो 20वां कौन सा हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, और दोस्तों 19वां कौन सा हो जाएगा, संडे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात है दोस्तों। यहाँ पे ये सीखने वाली बात थी कि 7वां अगर ट्यूसडे है तो 14वां ट्यूसडे हो जाएगा और 21वां भी ट्यूसडे हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है, 3 दिन पहले बोला है तो आपको 3 दिन यहाँ से काउंट ना करके जिस डे से बोला है वहीं से काउंट करने हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे यहाँ से काउंट करोगे तो दोस्तों आपका आंसर गलत आएगा और वो एक्सेप्टेबल नहीं है। येस और नो, हाँ या ना। तो देखिए दोस्तों, फ्राइडे था, 3 दिन पहले चला गया, 1, 2, 3 मंगलवार, 7वां मंगलवार तो 14वां मंगलवार, 21वां मंगलवार, 21वां मंगलवार है तो 19वां आ जाएगा मेरा संडे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। दोस्तों डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है हमें, ग्राफ के रूप में डेटा को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो दोस्तों एक टेबल चार्ट जो है वहाँ पे ग्राफ नहीं होता। ठीक है, टेबल क्या होती है दोस्तों, एक सिंपल टेबल होती है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई ग्राफ हमें यूज़ नहीं करते, राइट। येस और नो, तो टेबल चार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, ग्राफिकल डेटा का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। बाकी क्या होते हैं दोस्तों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो आपको दोस्तों रेडीमेड ये सवाल याद रखना है। बार चार्ट की बात करें तो बार्स दोस्तों ऐसी होती हैं, हिस्टोग्राम दोस्तों ऐसा ही होता है, बार जैसा ही। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोस्तों फ्रीक्वेंसी होती है अलग अलग, ऐसे हार्ट की शेप में आपने हार्ट रेट आपने देखी होगी। ठीक है, तो आपको दोस्तों रेडीमेड याद कर लो इसको, टेबल चार्ट, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा नहीं है, कौन सा, टेबल चार्ट। ये सुनो, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड। दोस्तों सांख्यिकी जो है, स्टैटिस्टिक जो है, क्या इंक्लूड करती है? कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को प्रेजेंट करना दोस्तों किसी भी रूप में, ग्राफ के रूप में, टेबल रूप में, पाई चार्ट के रूप में, बार ग्राफ के रूप में, हिस्टोग्राम के रूप में, पॉलीगन्स के रूप में, ठीक है, किसी भी प्रकार में। इंटरप्रिटेशन एंड ड्रॉइंग ऑफ इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द डेटा, ठीक है, इंटरप्रेट करना डेटा को, ड्रॉइंग करना इन्फ्रेंस को, राइट। तो दोस्तों कुल मिला के बात है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर सब चीज़ें इंक्लूड होती है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछ रहा है, एवरेज के क्वेश्चन पूछे हैं, प्रोबेबिलिटी से सवाल उठाए हैं, डाइस से सवाल उठाया है, इसका मतलब यह है कि वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस आर अवेलेबल इन द 20 क्वेश्चंस। सो अगर 100 सवाल आएंगे तो दोस्तों हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। यस और नो? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, भजन सिंह परचेज 120 रिम ओ पेपर एट 80 रुपीज पर रिम, ठीक है, 120 रिम खरीदी 180 के हिसाब से, 80 रुपए के हिसाब से, ही स्पेंट 280 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, पेड ऑक्ट्रॉय एट द रेट ऑफ 40 पैसा पर रिम, ठीक है, एंड पेड रुपीज 72 द कूली, इफ़ ही वांट्स टू हैव द गेन 8% व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ पर रिम, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लूँ मैं, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालूंगा मैं, कॉस्ट प्राइस होगा तो दोस्तों 8% का उसके अंदर उसको लाभ देके सेलिंग प्राइस निकाल लूँगा मैं, येस और नो। तो 120 रिम है दोस्तों, 80 के हिसाब से कितने की, 9600 रुपये की खरीदी है इसने, 9600 रुपये की, ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्चा आ गया 280 रुपये का। अब दोस्तों ऑक्टेराई क्या है, 40 पैसा प्रति रिम दिया है इसने, 40 पैसा प्रति रिम दिया है, एक रिम का 40 पैसा दिया है, तो 120 रिम का कितना हो गया, 40 × 120। अब दोस्तों पैसों को रुपयों में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग दे दिया मैंने, क्योंकि एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो कितना आ गया 48 रुपये, राइट, येस और नो। इसके बाद दोस्तों 72 रुपये उसने कूली को दिए हैं, तो इन दोस्तों टोटल करूँगा तो 10,000 आ जाएगा। अब दोस्तों 10,000 इसका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, इसने एक्चुअल में इसको रिम दोस्तों 10,000 रुपये में पड़ी है, ठीक है। अब 8% किसको लाभ चाहिए, तो 10,000 का 8% कितना हो गया दोस्तों, 800 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 10,800। एक रिम का निकालना है दोस्तों, तो 10,800 बटे 120 कितना आ गया, 90 रुपये प्रति रिम के हिसाब से अगर वो बेचता है तो उसको 8% का लाभ होता है, येस और नो। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पे, अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 जो है रिलेशनशिप पे है, ठीक है, रिलेशन का ट्री है, फैमिली ट्री अपने को बनाना पड़ेगा, राइट, येस और नो। अब दोस्तों मैं इसके अंदर क्या है, फैमिली ट्री, ये तो बहुत इजी सवाल है, आगे अपने टफ सवाल करेंगे तो मैं प्रॉपर आपको फॉर्मेट इसका बताऊंगा, कितना भी मुश्किल से मुश्किल सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछ ले आप गलत नहीं करोगे इसको, राइट, येस और नो, ये इजी है, तो अपने एक बार इसी के हिसाब से चलते हैं। राम इज़ ब्रदर ऑफ श्याम, राम क्या है, ब्रदर है श्याम का, राइट, येस और नो। अब दोस्तों जो मेल है मैंने उनको बॉक्स में किया है, ठीक है, और फीमेल होगी जो मैंने इसको दोस्तों राउंड किया है। अब दोस्तों राम और श्याम भाई हैं, तो दोस्तों सिंगल बॉन्ड है इनके अंदर, ठीक है, अगर ये पति पत्नी होते तो मैं दोस्तों डबल बॉन्ड इसके अंदर लगाता, येस और नो। राम इज़ ब्रदर ऑफ श्याम, राम इज़ ब्रदर ऑफ श्याम, इजी है। महेश इज़ द फादर ऑफ राम, महेश क्या है दोस्तों, फादर है राम का, राइट, तो इनडायरेक्टली दोनों का बाप हो गया ये, राइट, दोनों का फादर हो गया। जगत इज़ द ब्रदर ऑफ प्रिया, ठीक है। अब दोस्तों जगत का हमें नहीं पता है, प्रिया का नहीं पता, इनसे क्या रिलेशन है, अगली ही लाइन में बोल दिया दोस्तों, प्रिया इज़ द डॉटर ऑफ श्याम, प्रिया क्या है दोस्तों, श्याम की डॉटर है, ठीक है, तो श्याम की डॉटर प्रिया है, तो प्रिया का भाई दोस्तों जगत है, राइट, तो ये फैमिली ट्री हमारे लिए तैयार हो गया। हु इज़ द अंकल ऑफ जगत, दोस्तों जगत का अंकल, जगत का चाचा कौन है दोस्तों, राम है, चाचा ताऊ कुछ भी बोल दो इसको, येस और नो, तो राम इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, अ मैन इज़ 3 ईयर्स एल्डर देन हिज वाइफ, एक जो पति है वो अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है, एंड 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ही सन, और अपने बेटे से चार गुना है, ठीक है। इफ़ द सन शैल अटेन एन एज ऑफ 15 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स बट विद द प्रेजेंट एज ऑफ हिज वाइफ, अब क्या बोल दोस्तों, सन जो है 3 साल बाद 15 का होगा, तो सन आज कितना है दोस्तों, 12 का। दोस्तों हमेशा जो एज के क्वेश्चन होंगे वो हम उसको प्रेजेंट लाइफ पे हम सबको लेके आएंगे, ठीक है, बाद का पहले का दिया होगा, एक पॉइंट हमें पकड़ना है और सबको प्रेजेंट एज पे ले आएंगे। सन की दोस्तों 3 साल बाद 15 है, तो आज कितना होगा, 12, आज 12 का है, तो फादर इसका दोस्तों आज की हिसाब से कितना हो गया, 48 का 12 चौक 48, और वाइफ दोस्तों 48 माइनस 3 कर दिया, क्योंकि जो है फादर जो है 3 साल बड़ा है पत्नी से, इसका मतलब पत्नी 3 साल छोटी है, ठीक है, तो 48 माइनस 3 कर दिया, 45 इसका आंसर आ जाएगा, ये सुन। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलिए दोस्तों, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम फॉर 6 ईयर्स इज हाफ द सम इज, राइट। अब दोस्तों इस पे डेटा, रो डेटा पे कैलकुलेशन करके भी इसका आंसर आप नहीं निकाल सकते, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों डेटा एडिक्वेट, राइट। एक बार दोस्तों करके बताऊं आपको, तो देखिए दोस्तों 8%, अब इसमें फॉर्मूले में आपको पुट कर दो, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम कितना है दोस्तों 6 साल। अब क्या बोल रहे दोस्तों, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम फॉर 6 ईयर इज हाफ द सम, ठीक है। अब दोस्तों ये कर दिया, सम मान लो आप दोस्तों x मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया x/2, राइट। अब दोस्तों x x कट जाएगा, ठीक है, तो कोई कंक्लूजन पे आप नहीं निकलोगे, राइट, तो इसका मतलब है डेटा इनएडिक्वेट है, आपको एक और डेटा देना पड़ेगा, ठीक है, तब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, येस और नो। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से है, ठीक है।
प्रॉफिट एंड लॉस से है दोस्तों, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का पूरा खेल रहेगा इसके अंदर। और दोस्तों थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जामिनेशन के अंदर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सबसे लास्ट में आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्या बोल रहा है, अ मैन सेल्स टू हॉर्सेस फॉर 4000 ईच। एक मैन जो है दो घोड़े बेचता है 4000 रुपये प्रति घोड़े की कीमत से, नीदर लॉसिंग नॉर गेनिंग इन द डील। ना तो वो लाभ कमाता है ना वो हानि कमाता है, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इफ ही सोल्ड वन हॉर्स एट अ गेन ऑफ 25%, अगर एक को 25% लाभ पे बेचता है, द अदर हॉर्स इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ। अब दोस्तों डेटा एक ही है अपने पास, 4000, एक दोस्तों गेन दे दिया 25%, तो इससे अपने कैसे अपने फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे देखिए जरा। दो घोड़े हैं दोस्तों ए और बी, सेलिंग प्राइस दोनों कितने का है 4000 और 4000, तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस की डील है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर 4000 रुपये में दे दिया इसने, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए और बी को दोस्तों कितने में भी खरीदा होगा इसने, ठीक है, और जो ओवरऑल जो है दोस्तों वो लाभ या हानि नहीं है। इसका मतलब दोस्तों कॉस्ट प्राइस जो है ए और बी का वो 8000 रुपये, सबसे क्रूशियल लाइन यही है इसके अंदर, ठीक है। मतलब ए और बी का दोस्तों अलग अलग मैं नहीं निकाल रहा हूँ अभी, अलग अलग मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ कि एक डेटा मेरे पास आ गया कि दोनों का सेलिंग प्राइस 4000 है, तो 8000 दोस्तों दोनों का कॉस्ट प्राइस होगा, और 8000 में खरीद के 8000 में बेच दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस की डील है, ठीक है। अब दोस्तों कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी है, दोनों मिला के 8000 है, राइट। अगर दोस्तों एक का कॉस्ट प्राइस निकल जाए तो दूसरे का भी मेरा निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये सुनो। अब बोलता है दोस्तों अगर वो एक को 25% के लाभ पे बेचता है, ठीक है, एक को 25% के लाभ पे बेचता है, तो दूसरे को कितनी पे हानि पे बेचेगा वो, राइट। तो दोस्तों एक को 25% के लाभ पे बता दिया, तो इससे मैं मेरे इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लूँगा। 25% लाभ का मतलब है दोस्तों 100% इसका क्रूम क्रय मूल्य था, ठीक है, 100% दोस्तों इसका कॉस्ट प्राइस था, 25% इसने लाभ कमा लिया, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दोस्तों इसका कितना हो गया 125%, ठीक है। तो 125% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई 4000 रुपये, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एक को लाभ पे, अभी इसको दोस्तों 25% लाभ पे मान लो, ठीक है, यहाँ पे 100% क्रय मूल्य था, ठीक है, तो दोस्तों सेलिंग प्राइस तो हमें दोनों को पता ही है, तो 125% की वैल्यू कितनी होगी 4000, 1% की कितनी होगी 4000/125, और दोस्तों 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा दोस्तों 3200, इसको काट पीटी करोगे तो 3200 आ जाएगा, ठीक है। एक का दोस्तों कॉस्ट प्राइस 3200 है, तो दूसरे का दोस्तों निकाल सकता हूं मैं कॉस्ट प्राइस, क्योंकि दोनों का टोटल 8000 है, तो दूसरे का दोस्तों आ गया 4800 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों 4800 में खरीद के 4000 में बेच दिया, कॉस्ट प्राइस कितना था 4800, सेलिंग प्राइस कितना है 4000, तो मतलब कितने में कम में बेचा 800 रुपये में, दोस्तों 800 रुपये की हानि कमाई है कितने पे 4800 पे, मतलब इसका छठा हिस्सा है, ठीक है, 8 × 48 100/6 कर दो, ठीक है, या 50/3 कर दो, ऑप्शन में 50/3 था तो मैंने इसको 50/3 ले लिया, ये सुनो। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है पेपर नंबर 5 जो है ये अपना कंप्लीट अपनों ने कर लिया। और दोस्तों इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे सवाल जो हैं वो रीजनिंग के थे, और बहुत सारे सवाल जो हैं अलग अलग टाइप के टॉपिक से पूछे गए थे, और दोस्तों मोस्टली पूरा सिलेबस कवर किया गया है, लाभ हानि से, प्रॉफिट लॉस से, एवरेज से, एजेस के सवाल थे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के सवाल थे, डाइस के सवाल थे, डेटा इंटरप्रिटेशन था, तो कुल मिला के दोस्तों वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन इन 20 क्वेश्चंस। अब दोस्तों 100 सवाल जब आएंगे और आपको मतलब इस लेवल की तैयारी है कि आप इस 20 में से 14-15 सवाल कर सकते हो, तो दोस्तों 100 में से 45 सवाल आप आराम से कर दोगे, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, राइट। तो इतना इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फिर भी दोस्तों 2-4 मॉडल क्वेश्चन अपने करेंगे जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद। इससे पहले दोस्तों अपने डिपार्टमेंट्स की बुक्स पर अपने फोकस करेंगे, ये सुनो। तो अब दोस्तों इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं देखता हूँ कौन सा मुझे सही लगा टॉपिक जो पढ़ाने लायक है पहले, राइट, तो फिर उसको अपने उस पर चर्चा करेंगे, राइट। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।